स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के अमाउंट को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है ड्यूमास मेथड और दूसरा मेथड होता है जेंडाल मेथड। ड्यूमास मेथड में हम कुछ इस सेटअप का यूज करते हैं। जिसमें कुछ ऐसा फर्नेस होता है। इस फर्नेस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के फ्लो में हीट करते हैं। हीट करने पर कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन गैस बनाता है। इस नाइट्रोजन गैस को हम नाइट्रोमीटर में कलेक्ट करते हैं। सिंस इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जिसको हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहीं वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन गैस ट्यूब के ऊपर कलेक्ट होते हैं, जिसे हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद हम यह मेजर कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है। तो अगर हम मान लें कि रिएक्शन में m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से V1 ml नाइट्रोजन गैस कलेक्ट होती है और यह V1 ml वॉल्यूम हमने T1 टेम्परेचर पर कलेक्ट किया है और हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम T1 टेम्परेचर पर मेजर किया है, तो अगर हम मोल कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो एक मोल नाइट्रोजन गैस का मास 28 ग्राम होता है। एक मोल नाइट्रोजन गैस यानी कि एसटीपी पर 22,400 ml नाइट्रोजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन का वॉल्यूम एसटीपी पर मेजर करते हैं तो वो हमें कुछ यह मिलता है, P1 × V1 × 273 / 760 × T1। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेशर हमने mm ऑफ Hg में लिया है और यहाँ पर P1 नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, जो कि इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन के। तो इस तरह से V1 ml नाइट्रोजन गैस एसटीपी पर 28 × V / 22,400 ग्राम्स के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कुछ यह बता सकते हैं, जो कि इक्वल होता है 28 × V × 100 / 22,400 × mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। इसको हम डायरेक्टली नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं जेंडाल मेथड में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए हम कंपाउंड को जेंडाल फ्लास्क में लेते हैं, फिर इसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 और कॉपर सल्फेट के साथ हीट करते हैं। हीट करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। डाइजेशन के बाद हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्टिलेशन करते हैं। यह करने के लिए हम डाइजेस्टेड सॉल्यूशन को NaOH के साथ हीट करते हैं। ऐसा करने पर अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। इस अमोनिया गैस को हम एक स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं और वापस अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनियम सल्फेट को सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम अमोनिया गैस को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर हम H2SO4 का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही यूज करते हैं और सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को हम स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सारी रिएक्शन की हेल्प से हम नाइट्रोजन को किस तरह से एस्टीमेट करते हैं। यदि हम मान लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m ग्राम है तो और यह मान लें कि डिस्टिलेशन के दौरान हमने H2SO4 के m मोलारिटी के v वॉल्यूम को लिया था और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने m मोलारिटी के ही NaOH के V1 वॉल्यूम को लिया था। और अगर हम यहाँ पर स्टोकियोमेट्री लगाएं तो हमें पता चलेगा कि V1 ml NaOH V1 by 2 ml H2SO4 को न्यूट्रलाइज करता है। और अगर हम यहाँ पर H2SO4 के लिए मास बैलेंस लगाएं तो हम यह कह सकते हैं अगर V1 by 2 ml H2SO4 V1 ml NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बाकी V-V1/2 ml H2SO4 अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुआ होगा, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 मोल अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल H2SO4 लगता है। तो अगर m मोलर H2SO4 के V-V1/2 ml यूज हुए हैं तो सॉल्यूशन में m मोलर अमोनिया के 2 × V-V1/2 ml प्रेजेंट रहे होंगे। और हम जानते हैं कि 1000 ml 1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन में 17 ग्राम अमोनिया होता है या फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से 2 × V-V1/2 ml अमोनिया सॉल्यूशन में नाइट्रोजन का मास होगा 14 × m × 2 × V-V1/2/1000 ग्राम्स। और इस तरह से अगर हम कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे तो यह इक्वल हो जाएगा 1.4 × m × 2 × V-V1/2 / मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिंडाल मेथड को हम सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स लाइक नाइट्रो कंपाउंड्स, एजोडाइज, पिरिडीन, इनमें नाइट्रोजन होने के बाद भी ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट नहीं बनाते हैं।
अगर अमोनियम सल्फेट बनेगा ही नहीं तो जिंडाल मेथड को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे।